राजेश भट्ट के स्टार देने से पहले ही पूजा भट्ट डर चुकी थी कि उनके पिताजी कहीं मनीषा रानी को स्टार ना दे दे, क्योंकि जितना वो कनेक्ट मनीषा रानी के साथ कर रहे थे, जितना वो मनीषा की तारीफ कर रहे थे, कहीं ना कहीं पूजा भट्ट को भी लग रहा था कि ये स्टार जो है मनीषा रानी के हाथ में जाने वाला है। पर जैसे ही स्टोर रूम से बाहर आया स्टार, तो वहां पर बोला भी पूजा भट्ट ने कि ये स्टार देना है आपको जो अच्छा लगा, कुछ अजीब से बोला, और जदादित को भी बोला, और जदादित भी था वहां पर, और बोला कि सोच समझ के देना स्टार। तो बस लेते हैं और बेबिका ही सामने रहती है और फटाफट बेबिका को दे देते हैं। बेबिका का जो वो रीजन है स्टार देने का, मुझे ओके लगा है, मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें कोई फेक है। उन्होंने बोला कि काफी हम्बल तरीके से, काफी वार्म तरीके से इसने मुझे ट्रीट किया है, बहुत अच्छा लगा है और बहुत इनोसेंट है ये, मतलब कि जो अंदर जो बच्चा है, वैसे तो ये बहुत जो है हार्ड चिक है, पर फिर भी जो इनोसेंसी है वो बहुत अच्छी लगी है। तो और सबसे ज्यादा मेन इसने खुद मांगा कि मुझे एक भी स्टार नहीं मिला, प्लीज दे दो। तो हमारा भी जो वो है, हम लोग जो काम करते हैं, वो मूवी के पहले हम लोग बोलते हैं कि यार थोड़ी तारीफ कर देना, तो बाद में लगता है यार क्या पेशा है हमारा, ऐसा सब चीजें करवाते हैं हम। तो यही चीज जो है बेबिका ने बोली, इसीलिए बेबिका को दे दिया गया। पर पूजा भट्ट भी चाहती थी कि बेबिका को ही मिले या उन्हीं के ग्रुप से मिले किसी को, ना कि मनीषा रानी को। अगर वो सामने नहीं होती और पूजा भट्ट शायद नहीं बोलती, तो मनीषा अगर सोच समझते महेश भट्ट, तो मुझे लगता है ये स्टार जो है वो मनीषा रानी के हक में जाता। क्या कहते हैं आप बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।